और भैया कहाँ है? अरे वाह, इसी में कलर डाल देंगे ना। हाँ? अनिकेत तुम्हारा ओ हैप्पी होली, हैप्पी होली, होली है। इस बार की होली बहुत ही खास है मेरे लिए, क्योंकि मेरे साथ मेरे पेरेंट्स भी हैं और हम लोग अभी सेलिब्रेट करेंगे होली मिलके। तो होली की तैयारी कल ही मैंने कर ली थी। ये उड़द दाल है और ये छोले भी मैंने डाल दिए थे, पनीर वगैरह सब कुछ मंगा ली हूँ, मैदा और जो भी होता है ड्राई फ्रूट सूजी सब कुछ मैंने मंगा लिया है। तो अब मैं तैयारी करूँगी, ये सब अभी मैं पहले रेडी करने वाली हूँ, उसके बाद एक के बाद एक रेसिपीज बनेगी और मैं शेयर करूँगी आपके साथ। मैं आज आपसे शेयर करूँगी दही बड़े बनाना, और ये होली का एक बहुत ही क्या बोलेंगे इम्पोर्टेंट जो रेसिपी है, और उनसे तो तुम भी खेलना। ओके, तो जरूरी नहीं है ना बेटा कि हर बार ऑफिस में सेलिब्रेट करें, है ना, इस बार घर में कर लो, नाना नानी जी और मामा जी हैं सबके साथ। और ये मैंने धुल लिया है और अब इसको पीसूंगी, इसको बहुत गीला नहीं पीसेंगे, इसको बिना पानी के ही मैंने डाला था। अब जितनी ज़रूरत होगी उतनी क्वांटिटी में मैं इसमें पानी डालूंगी, बहुत ज़्यादा ना डालें नहीं तो इसका शेप नहीं बनेगा। अच्छा, अच्छा लगा? दोनों को नहला दीजिए आप। हाँ, बन रहा है होली का पकवान और मैं भोग लगाऊंगी अपने भगवान जी को, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा हमारा होली। मैं जा रही हूँ अपने भगवान को भोग और अबीर मैंने चढ़ा दिया है और बस अब हमारा होली स्टार्ट है। आधा रेसिपीज तो मैंने बना ली है और आधी अभी बाकी है, तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ दही भल्ले। तो मैं कैसे बनाती हूँ इसका मैं रेसिपी दे रही हूँ आपको, और ये है कलौंजी और अजवाइन, तो ये इसमें मैंने डाला, और इसमें जाएगा हरा प्याज और ये मिर्ची, लहसुन भी इसमें मैं डालूँगी और अदरक भी आप डाल सकते हैं, और इसमें मैं डालूँगी नमक। और अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, और इसमें हम लोग कैबेज भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने कैबेज नहीं डाला है, और बस इतना ही, वेजिटेबल ज़्यादा हो जाएगी। तो बस अब इसको मैं अच्छे से मिला दूँगी, इसे मैंने मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो ऑयल बिल्कुल भी गर्म हो रखा है, तो ये मैंने ले लिया है एक कटोरी में पानी, और ये है बड़ा का मिक्सचर। अब मैं बनाऊंगी बड़ा, मैंने अपने फिंगर टिप को थोड़ा सा पानी में डिप कर लिया है, और ये मैं मिक्सचर लूंगी और थंब के हेल्प से मैं इसको आकार दूंगी, और ये मैंने डाला इसको तेल में। बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे, और मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई है ना, तो अभी थोड़ा सा यहाँ तेल और ये मैदा वगैरह बिखरा पड़ा है, तो इसको डाल दूँगी मैं तेल में। बस ऐसे ही बनाते जाएंगे और इसको ब्राउन होने तक फ्राई करके निकाल लेंगे, उसके बाद मैं आगे रेसिपी आपको बताती हूँ। पानी मैंने बॉयल कर लिया है और ये दही भल्ले के लिए बड़े मैंने तल लिए हैं, फ्राई कर लिए हैं, ये बिल्कुल ब्राउन हो रहा है। अब जितने भी दही भल्ले की हमें प्लेटिंग करनी है इस गर्म पानी में मैं डाल दूंगी, और इसके लिए कुछ स्पाइसेस बनाते हैं वो भी मैं बनाऊंगी और दिखाऊंगी, थोड़ा इसको डिप करेंगे। मैं यहाँ जीरा भून रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसको मैं पीस कर और इससे मसाला बनाकर और मैं दही भल्ले पर डालूंगी, ये भी, और ये रेड चिली पाउडर है, तो बस इसको हल्का सा भून लूँगी। रेड चिली नहीं है और वैसे भी रेड चिली भूनने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, तो फिर बस इसको मैं ऐसे भून ले रही हूँ, और जब इसकी मुझे तो नहीं पता, मामा जी से पूछो। और अब मैं रेड चिली पाउडर भून लूँगी बस जड़ा सा,
ताकि इसमें सोंधा सोंधा स्मेल आने लगे इसका अरोमा। और ये बस होने ही वाला है। देखिए ये दही भल्ले बिल्कुल भी सॉफ्ट हो गए हैं। इसको मैंने आधे घंटे से गर्म पानी में रखा है और इसकी मैं प्लेटिंग करके इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। जब भी खाना हो एक एक निकाल के या दो जैसे भी आपको सर्व करनी है तो कर सकते हैं। और ये हमारा पहले से काम हो जाता है कुछ तो बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इनके ऊपर अब मैं डाल रही हूँ दही, और दही बहुत गाढ़ी भी नहीं है और बहुत पतली भी नहीं है, तो इनके ऊपर खूब अच्छे से हम दही डाल देंगे। दही डाल लिया है मैंने, अब इन सबके ऊपर मैं डालूंगी पिंक सॉल्ट। ये सभी के ऊपर मैं डालूंगी पिंक सॉल्ट। मैंने डाल दिया है, अब ऊपर से मैं जो जीरा भून कर रखी हूँ वो उसका मैं पाउडर डालूंगी। और इसके ऊपर मैं डालूंगी रेड चिली जो मैंने भूना था, ये रेड चिली। बिल्कुल ये बहुत चटपटा लगता है और बहुत टेस्टी भी। तो ये देखिए कितने अच्छे से, और देखिए कुछ भी टेस्टी बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन साल भर के दिन में एक बार ऐसी रेसिपीज हमारे यहाँ बननी ही चाहिए, जिसको खाकर बच्चे भी खुश हो जाए और अगर कोई गेस्ट आए वो भी बहुत तारीफ करे कि हाँ उनके यहाँ ये रेसिपी मैंने खाई थी। तो इसके ऊपर अब मैं डाल दूंगी टमाटो केचप, थोड़ा थोड़ा, जस्ट एकदम लिटिल बिट, बस थोड़ा सा मैं डालूंगी सभी के ऊपर। और अब इसके ऊपर मैं डालूंगी ग्रीन कोरिएंडर लीफ, धनिया पत्ता, और ये देखिए कितना कितने अच्छे से, इतनी अच्छी लग रही है और खाने में भी यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसको जरूर ट्राई करें अपने घर में। मैं इनको रख दूंगी फ्रिज में, और जब भी आपको सर्व करना हो तो इसमें से निकाल निकाल के एक एक पीस या दो दो पीस सर्व कर सकती हैं। इनको मैं फ्रिज में रख दूंगी, और ऐसे मैंने रख दिया है फ्रिज में, और ये ठंडी ठंडी खाने में और भी टेस्टी लगती है। अभी तो गर्मी आ गई है, और यहाँ कुछ पीसेस ऐसे ही रखे हुए हैं। इसको भी पानी में बस डालकर जब ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो ऐसे ही बनाकर और खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, इसको ट्राई जरूर करिए। और ये शाम के रंग गुलाल के साथ हमारी होली समाप्ति की ओर, और बहुत एंजॉय किया फैमिली के साथ। इस बार मैंने होली मनाया है, और ये देखिए जहाँ जा रही हूँ फर्श पर रंग ही रंग, गुलाल ही गुलाल। और अभी मैं जा रही हूँ बालकनी में, दिखाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ बालकनी में, और अभी सब थोड़ा सा सफाई करूँगी थोड़ी सी, और बाकी कल होगा। और आज दिन भर बस अच्छी अच्छी रेसिपी और रंग खेला, और बड़ों के साथ अपने मम्मी पापा भाई और हस्बैंड बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा लगा। और इसी तरह बड़े का आशीर्वाद, सभी बड़ों का आशीर्वाद बना रहे इसी कामना के साथ, और भगवान हमेशा इसी तरह हमेशा हंसता मुस्कुराता खुश रखे।